जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कई राजनीतिक नेता दिए हैं। प्रतिष्ठित विद्यालय ने किसी भी पूर्व छात्र के शायद ही मेघ कन्हैया कुमार के रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। उनके आलोचकों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा है। यह शब्द अलगाववाद के कथित समर्थकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर शासक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वह एक राष्ट्रीय चेहरा बन गए और 2019 का राष्ट्रीय चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से हार गए। कन्हैया कुमार 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए। वह जल्दी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रभारी बन गए। रविवार को कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। यह उनका 3 सीटों में से एक है, जहां वह आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में राजधानी में चुनाव लड़ रही है। माना जाता है कि कांग्रेस कुमार को बेगूसराय से मैदान में उतारने की इच्छुक थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपने खिलाफ कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को लोकसभा टिकट दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनिए मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है, इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही, तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास।